पिपल साहब एक बात बताइए, आप जो बहन कुंवारी मायावती की सरकार देखते हैं वो किस जनाधार पे देखते हैं कि बहन कुंवारी मायावती की सरकार 2019 के अंदर बनेगी, उसके बारे में बताएं। जी, इस संबंध में हमने अभी डेटा के ऊपर जो एनालिसिस अपना दिया था कि जो बहुजन समाज है उसका जो जनसंख्या है देश के अंदर वो सबसे ज़्यादा है और लगभग 85% के करीब है, जी और उत्तर प्रदेश जो है 80 लोकसभा की सीटों वाला प्रदेश है, जी तो 80 लोकसभा सीट जो जीतता है वो निश्चित रूप से एक लीडिंग स्टेट के रूप में उभरता है, और इस समय जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं सीट जीतने की बहुजन समाज पार्टी की, जी तो वो उत्तर प्रदेश में है। जी उत्तर प्रदेश में चूंकि जो नेट वोट वो है कहते भी हैं कि जो सत्ता का वो होता है रास्ता, वो उत्तर प्रदेश होके उत्तर जाता प्रदेश है। से होता है, जी तो अभी तक आप देखेंगे अगर आप ढंग से देखें जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और नरेंद्र भाई मोदी तक, तो आपको ज़्यादा पीरियड जो आएगा कितने पीरियड तक उत्तर प्रदेश ने राज किया है मतलब उसमें भारत पर, जी तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री भले ही नंबर में कहीं दूसरे के जगह आए हों लेकिन अगर पीरियड को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा पीरियड जो है वो उत्तर प्रदेश से ही आएगा, जी और उनके लिए भले ही जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर में पैदा हुए थे जी लेकिन उन्होंने जो अपना क्षेत्र बनाया था जी वो आनंद भवन इलाहाबाद बनाया था, जी और मोदी जी गुजरात में पैदा हुए जो उन्होंने क्षेत्र बनाया जी वो वाराणसी के लिए बनाया, जी तो इसका कारण ये था, उनको भी पता है कि भाई जो उत्तर प्रदेश से होकर के मतलब सारा रास्ता निकलता है, जी और दूसरा ये है कि जो संगम है वो भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, तो सारी संस्कृतियों का और मतलब उनका राष्ट्रीयताओं का संगम होता है जी वो भी उत्तर प्रदेश में होता है, जी तो इसलिए उत्तर प्रदेश का जो 80 सीटें हैं राजनीतिक रूप से अगर देखें जी तो ये बहुत मायने रखती हैं, अभी भी पहले 85 थी जी उत्तराखंड के कटने के बाद में 80 अभी भी हैं, जी लेकिन अभी भी 80 में से आपने देखा होगा 73 सीटें जीत करके मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, जी और मुझे लग रहा है जी कि अभी जैसे अखिलेश जी ने अभी जवाब दिया था इस बात का कि जी कौन कितनी सीटें जीतेंगे, जी तो उन्होंने कहा कि हमसे अगर पूछोगे जी तो मैं तो ये कहूंगा कि आपने हमें 5 सीटों पर समेट दिया था, तो मैं ये कहूंगा कि भाई बीजेपी 5 सीटें जरूर जीत सकती है, और अगर आप मायावती जी से पूछेंगे कितनी सीटें जीतेंगे जी तो उनको आपने 0 पर समेट दिया था जी तो वो कहेंगे बीजेपी 0 से ज्यादा नहीं जीत सकती, जी तो ये अब दोनों स्थिति में 0 और 5 के ज्यादा तो मतलब जीत नहीं सकते हैं, तो जब 70 फिर भी मैं सोचता हूँ कि 70 सीटें अगर जीत जाती है सपा और बसपा का और लोकदल का जो गठबंधन है तो 70 सीटें इस समय जो मिली जुली सरकार बनेगी, जी अगर आप स्टेट वाइज एनालिसिस करें जी पीछे तमिलनाडु से चलते हैं केरला से चलते हैं फिर इसके बाद में आप दक्षिण भारत के कर्नाटका में आ जाते हैं जी आप फिर बंगाल में चले जाते हैं जी महाराष्ट्र में चले जाते हैं जी तो कहीं ऐसा नहीं नजर आ रहा, और फिर अब हिंदी भाषी क्षेत्र जहाँ पे बीजेपी का दबदबा था जी उनको अभी आप राजस्थान देख रहे हैं या छत्तीसगढ़ देख रहे हैं या आप मतलब आपका ये मध्य प्रदेश देख रहे हैं जी तो वहाँ भी मतलब उनका सफाया होता नजर आ रहा है, जी तो अब वो कहाँ से जीतेंगे ये समझ में नहीं आता, जी तो इसलिए उन्होंने देखा कि अब जो उस समय तो उन्होंने राम का मुद्दा उछाला था जी जब ये स्टेट का इलेक्शन चल रहा था जी तो इन्होंने टेस्ट किया था राम का मुद्दा, तो वो टेस्ट में फेल हो गए, उसमें उन्होंने कहा राम का मुद्दा जो है इस समय कामयाब नहीं है चूंकि बहुजन ऑर्गेनाइज हो रहा है, दूसरा फिर उन्होंने अब ये उन्होंने देखा कि आरक्षण का मुद्दा ज्यादा कामयाब है क्योंकि ये जो जीत बोल रहे हैं बहुजन समाज वो आरक्षण के मुद्दे पे जीत बोल रहा है तो हम आरक्षण के मुद्दे को ही पकड़ लेते हैं, तो इन्होंने 10% जो सवर्णों का आरक्षण का मुद्दा जो उछाला है और ये इनका और कोई बड़ा नहीं है उनका सवर्ण समाज जो है बीजेपी से हट करके जी वो BSP में तो नहीं आ रहा जी लेकिन बीजेपी से हट करके वो कांग्रेस में जरूर जा रहा है, जी तो कांग्रेस में और उसमें जब इनका इकट्ठ टूट जाता है सवर्ण समाज का जी कांग्रेस में और बीजेपी में बढ़ जाता है जी तो न कांग्रेस जीतती है और न बीजेपी जीतती है, जी वो थर्ड फ्रंट या जो भी गठबंधन है वो मतलब सत्ता में हमेशा आया है जी पीछे पहले भी मतलब ऐसा हो चुका है, और उत्तर प्रदेश तो इसकी लेबोरेटरी है वो तो उसमें साफ नजर आता है, तो इसलिए पूरे देश में ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जो 2019 में जो सरकार बनेगी मिली जुली सरकार होगी और कमजोर सरकार होगी, और उसमें सबसे बड़ी लीडर बहन कुमारी मायावती है तो उनको निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनना ही है, जी उनको लीडरशिप अपने आप देंगे लोग जी
बहुत अच्छे से बताया कि आपने कि अगर कोई भी सत्ता आएगी तो बिना बहन कुमारी मायावती के नहीं आ पाएगी। पीपल साहब, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, जनवरी का दिन चल रहा है, मुझे लगता है कि बहन कुमारी मायावती का शायद इस महीने जन्मदिन भी आता है, मैं सही हूँ साहब? बिल्कुल है ना। और जब भी कोई जन्मदिन आता है तो बहन कुमारी मायावती के लिए बहुत सारा चंदा इकट्ठा करा जाता है पूरे देश से, तो क्या कारण है कि जो चंदा इकट्ठा करा जाता है और वो कहाँ जाता है चंदा, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आप बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और बहन कुमारी मायावती साहब काशीराम साहब के साथ भी आपने बहुत लंबा समय व्यतीत किया है। ये बहुत अच्छा सवाल है, चूंकि ये जनता का सवाल है और इस पर लोग सवाल उठाते भी हैं, आरोप भी लगाते हैं, दोनों चीज़ें। और पीछे दिनों में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार भी मतलब जो काफ़ी घटा है पहले से, बढ़ने की जगह, ये चिंता का विषय ज़रूर है जी। और इसमें ये जो आप बोल रहे हैं ये भी एक विषय है जिसके ऊपर लोग इसको चर्चा करते हैं हम लोगों के लिए। लेकिन उसमें जो उनका जो सिस्टम है जी, इस सिस्टम में आपने देखा होगा कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं किसी स्टेट में सत्ता में बनी रहती हैं और उनका एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पूंजीपति है, जिसमें आपने मैंने अभी आपको पीछे बताया कि इसमें देश भर में जो 1% वर्ग है, 1% के पास में कितनी पूंजी है, 73% देश की पूंजी है। तो वो जो पूंजीपति वर्ग है वो उसको बहन जी रिप्रेजेंट नहीं करती हैं जी। और जब काशीराम साहब ने जब ये आंदोलन चलाया था बहुजन समाज बनाने का जी, उस समय उनके सामने सबसे बड़ी जो अड़चन आई थी पैसे की आई थी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी जब अपना आंदोलन चलाया था तो उनके लिए भी सबसे बड़ी अड़चन जो पैसे की आई थी जी। जब वो कोई स्कूल की बात करते थे, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की बात करते थे तो उनको पैसा देते थे लोग। जब वो धर्म की बात करते थे, बौद्ध धर्म की, तब भी पैसा देते थे जी। और जब बाबा साहब अम्बेडकर राजनीति की बात करते थे तो कहते थे कि भाई राजनीति तो हमारे लिए, तुम कैसे कर रहे हो जी। तो वो उसके लिए सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि उनके लिए गिराने की कोशिश करते थे जी। आपने देखा होगा कांग्रेस ने उनके लिए खुद गिराया था जी। खुद मतलब हराया था उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। और काशीराम साहब भी जब उसकी दलित कल्याण की और उसकी बात करते थे तो वो कहते थे ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब उन्होंने कहा राजनीति की बात उन्होंने शुरू करी जी, तो उसके लिए जो है उन्होंने डिफीट करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी जो अड़चन थी उनकी, मतलब जो उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया था, वो तीन लोगों ने उनको नुकसान, तीन वर्गों ने नुकसान पहुंचाया जी। वो अपने उसमें लिखा भी है, मनी मतलब जो धनवान लोग थे जी, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। माफिया जो गुंडे लोग थे उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। और मीडिया, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं, मनी माफिया और मीडिया, तीन जो वर्ग हैं इस देश के, वो मतलब कांग्रेस और भाजपा की सरकार को तो चाहते हैं जी। और दूसरे भी आ जाए कोई, लेकिन बहुजन समाज जो मतलब एक कमजोर वर्ग को मतलब ताकत देना चाहता है जी, तो उसके लिए वो इस देश के अंदर नहीं चाहते। और वो चाहते हैं कि कमजोर वर्ग का जो लीडर है जी, वो कमजोर ही नजर आए जी। कमजोर वर्ग का जो लीडर है वो दरिद्र नजर आए जी। कमजोर वर्ग का जो लीडर है वो लाचार नजर आए, ऐसा वो लोग चाहते हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, आपने देखा होगा कि जब गांधी जी का आंदोलन चल रहा था तो वो आधी धोती पहनते थे, नंगे रहते थे, चूंकि उनने कहा था बाबा साहब ने कि इसका जो समाज है, उनके पास में मकान दुकान कपड़े लत्ते सब कुछ है, इसलिए इनका लीडर जो नंगा होकर घूम रहा है, चूंकि उसे पता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरे लोगों का। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोग नंगे हैं, वो तो उनके सारे ही लोग नंगे हैं पूरे समाज के, तो उनका लीडर भी अगर नंगा रहेगा तो फिर उनके लिए कैसे प्रोत्साहन मिलेगा। तो उनकी प्रेरणा देने के लिए वो कोट पैंट टाई पहन करके, और सबसे ज्यादा चूंकि बिना पढ़े लिखे थे तो कह रहे कि सबकी भरपाई मैं करूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा कि लोग कहेंगे इनका लीडर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है जी। इनका लीडर मतलब जो है सबसे ज्यादा खूबसूरत है जी। इनका लीडर जो है पैंट कोट टाई में रहता है जी। सब लोग मतलब अंग्रेजी नहीं बोलना जानते हैं, लेकिन उनका लीडर जो है ब्राह्मणों से भी अच्छी अंग्रेजी बोलना जानता है जी। तो उस समय वो करके दिखाया जो मतलब उनके लीडर जो है नहीं कर पा रहे थे जी। तो इसी तरह से काशीराम जी ने भी कहा कि भाई सामंतों के लिए अगर मुझे सही करना है तो मेरे लिए सामंत जैसा बनना पड़ेगा। लोग कहते थे कि सबको जमीन पे बिठाता है, कुर्सी पे बैठता है। पीपल साहब, मैं अपना सवाल दोबारा से कर देता हूँ कि मैंने कहा था बहन कुमारी मायावती जो अपने जन्मदिन पे चंदा इकट्ठा करती हैं, उसका क्या विशेष? मैं बिल्कुल वहीं पे घूम के आ रहा हूँ, मुझे लगा था मैं भटका नहीं हूँ। तो ये इसका मतलब जो है, जैसे जो मतलब कमजोर वर्ग है जी, जो दरिद्र वर्ग है, जिसके पास पैसा नहीं है जी, गरीब है जी,
उस वर्ग का रिप्रेजेंट बहन कुमारी मायावती करती है, रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है। तो अगर उनका वो गरीबी दरिद्री नजर आएगा जी, तो उसके लिए तो कभी भी गिराया जा सकता है जी। उन्हें पता लगेगा कि अब इनको, इनके पास बल है, इनके पास धन बल भी है, कह रहे अब इसको गिराया नहीं जा सकता धन से, चूंकि धन बल है। अब इसके पास में जनबल भी है, जनता है, बड़ी बड़ी सबसे बड़ी रैलियां मायावती की होती है, तो इसको जनबल के आधार पर भी नहीं गिरा सकता। इनके पास शक्ति बल भी है, कहते हैं हाँ भैया अब तो जेट सिक्योरिटी फोर्स घूमती है, इनके ऊपर तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। तो उनका जो जो वर्ग है, उनके जो लोग हैं, उनके वोटर हैं, वो जो है काफी उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं जी। आपने सुना होगा पीछे लोगों ने कहा कि हीरे का हार पहनती है ये मतलब ये सोने चांदी से लदी रहती है, नोटों की माला पहनती है। तो उनके लोगों ने ये कहा था कि हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा लीडर जो हमारे पास में मतलब नहीं है, तो हमारा लीडर जो है ये अच्छा मतलब लगता है, तो उनको देख करके जलन होती है या खुश नहीं होते लीडर को देख करके। और ये पैसा जो है उन्होंने क्या नाम है जो चंदा जो देते हैं लोग, टिकट वाले जो लोग हैं उनसे एक तरह से सहयोग राशि ली जाती है जी। और वो ये कहती हैं कि ये जो पैसा है जी, तुम्हारे झंडे हैं, बैनर हैं और ये जो खर्चा होता है उसमें मैं इसको लगाती हूँ, पैसा उसमें खर्च होता है जी। और उन्होंने मतलब जो ऑफिस है इसके बहुजन समाज पार्टी के अपने कार्यालय उन्होंने बनाए हैं हर एक स्टेट में, अपने उससे खर्चा भी वहां से चल रहा है जी। उसके साथ साथ उस कार्यालय के ऊपर गाड़ियां भी हैं कि गाड़ियां भी उनके लिए दी हैं, जो प्रभारी लोग मतलब उधर जाते हैं उनको रखा गया है जी। तो लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने उस पैसे को अपने पार्टी के उसमें काम में लगाया है, और यही कारण है कि आज जो पार्टी भले ही कमजोर हो गई है लेकिन खत्म नहीं हुई है और स्टेबल है। उसका कारण यह है कि उसने सस्टेन करके उसको रखा हुआ है। और जैसे ही आप देखते हैं कि मौसम अच्छा आया था, सूखा पड़ा हुआ है जी, तो दो साल सूखा पड़ गया तो एक साल अच्छी बारिश हो गई तो उसमें काम जो है बन जाता है। तो इस बार जो है बारिश मतलब अच्छी हो रही है जी। और मैं समझता हूँ कि जो जो आलोचना करने वाले लोग हैं और जो ये बात बोलने वाले लोग हैं वो अपने आप ही कहने लगे हैं कि इन्होंने मतलब सही काम किया है। जब गिरते हैं तो कहते हैं कि गलत काम किया है, जब उठते हैं तो कहते हैं कि भाई बहुत सही काम किया, सही काम किया। आपने किसी विपल साहब जिन्होंने बताया कि जो बहन कुमारी मायावती चंदा लेती हैं या अपने जन्मदिन पे सहयोग राशि लेती हैं, वो पूरा उससे एक साल खर्चा चलाती हैं, पूरे देश के अंदर नेशनल लेवल की पार्टी है, उस पर पूरे खर्चे रहते हैं, उस पर झंडे, बैनर, उनके ऑफिस की मेंटेनेंस और बहुत सारे खर्चे होते हैं जो वो दिखाई भी नहीं देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये इस तरीके से काम होता है तो बहुजन समाज का चंदा लेना जायज बनता है। पिपल साहब एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से आपने बातों में बताई कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज का वोट का जनाधार काफ़ी गिरता जा रहा है, तो क्या विशेष कारण है उसके वोट बैंक का जनाधार का गिरने का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शिकायत आ रही है लोगों की कैमरा ठीक नहीं चल रहा है, उसी तरफ देखो नहीं चल रहा है। हाँ दोबारा से सवाल करें जरा। सर मैं आपसे एक बार फिर दोबारा से एक बात पूछना चाहूँगा कि जिस हिसाब से बहुजन समाज का आपने बताया है कि बातों ही बातों में छोटी सी एक बात बोल दी थी कि आपने बहुजन समाज का जनाधार थोड़ा सा गिरता जा रहा है, जो वोट बैंक है जो पूरे देश के अंदर है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है तो कहीं गिर रहा है। और दिल्ली की, मैं आप दिल्ली से हैं तो मैं दिल्ली की बात करूँगा, दिल्ली के अंदर भी जो बहुजन समाज का वोट बैंक है पहले काफ़ी अच्छा था, अब काफ़ी गिर गया है, तो इसका जो तरीका है वो गिरता है क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज बढ़ गई है तो फिर गिर कैसे रही है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप जी? ये बहुत अच्छा सवाल है। और उत्तर प्रदेश में भी गिरा है और दूसरे स्टेट में भी, मध्य प्रदेश का और मतलब छत्तीसगढ़ और ये इसका जो रिजल्ट आया है उसमें भी गिरा है, ये तो हमारा जो आंकड़ा है वो बोलता है। लेकिन उसका कारण क्या है कि अभी मैंने पीछे कहा कि और भी इसमें जो पार्टियां हैं वो बनी हुई हैं और काफ़ी लोगों को इस पार्टी से निकाला जा चुका है जी। जो निकाले जा चुके हैं वो मतलब उसमें कैडर के लोग भी हैं जी और मार्केट के लोग भी, दोनों तरह के लोग हैं जी। तो मार्केट के लोगों को अगर आप निकाल देते हैं तो उनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन अगर जो कैडर के लोग हैं जी, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके मतलब पार्टी को चलाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है और इच्छा के विपरीत भी अगर उनको निकाल दिया जाता है, उनकी पूछताछ नहीं होती है, तो वो जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है खासतौर से वो चुप नहीं बैठता, वो कुछ ना कुछ करता है जी।
तो वो जो अगर पॉजिटिव नहीं करेगा तो नेगेटिव शुरू कर देगा जी। और नेगेटिव होने से अगर धीरे धीरे करके आप बहुत सारे लोगों को निकाल देंगे, जैसे जाति निकाला दे देते हैं ना, आउटकास्ट कर देते हैं जी। तो मुझे पता है कि उनको जो बंगाल में जो चांडाल वर्ग है, जिसको चांडाल जाति बोलते हैं, वो आउटकास्ट कम्युनिटी है जी। क्योंकि जो क्या नाम है, जो ऊपर के वर्ण में वर्ण की लड़की से नीचे के वर्ण वाले शादी कर देते थे, उनसे जो बच्चा होता था उसको चांडाल बोलते थे जी। तो चांडाल को आउटकास्ट कर देते थे। तो आउटकास्ट करते करते वो चांडाल इतनी बड़ी बिरादरी बन गई कि आज मतलब वहां पे उसका बहुमत है जी। आज उसके 8 एमपी बन के आते हैं उधर से चांडालों के बंगाल से जी। तो इतनी बड़ी बन गई कम्युनिटी। इसी तरह से जो पॉलिटिकल जो ये कास्ट है जी। पॉलिटिकल मतलब एक हमारा फ्रंट है बहुजन समाज पार्टी, उससे अगर मतलब हम आउटकास्ट करते रहेंगे, लोगों को निकालते रहेंगे तो एक सीमा है, सीमा से ज्यादा अगर मतलब लोग निकलते हैं तो फिर मतलब एक जैसे ग्राफ बढ़ता है ना ऐसे, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो जाता है। तो वो जाने के बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब उस पर पहुंच रहा है। बहुजन समाज के वोट बैंक को गिरने का किसके ऊपर श्रेय कहेंगे कि इस व्यक्ति विशेषों से ना? बिल्कुल जी, ये इस तरीके से मतलब मैं ग्राफ को देखते हैं जी। मैं यही बताना चाह रहा था जी कि जब डिमिनिशिंग रिटर्न होने में मतलब कंट्रीब्यूशन किसका है? दो लोगों का कंट्रीब्यूशन, एक तो वो जो निकाल दिए हैं जी, वो तो काम नहीं कर रहे, वो तो एंटी काम भी कर रहे हैं, नेगेटिव भी कर रहे हैं। दूसरा वो लोग जो उसमें रखे हुए हैं जी, जो रखे हुए लोग हैं वो भी ढंग से काम नहीं कर रहे जी। खासतौर से जैसे प्रभारी हैं, प्रभारियों के ऊपर कोई निगरानी समिति नहीं है जी। हमने पहले भी मैं बोल चुका हूँ इस बात पर कि उनके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए जी। दूसरा कोई सलाहकार ऐसी कोई समिति नहीं है, क्योंकि अकेला लीडर चाहे कितना भी दिमाग हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लीडर मतलब इतना बड़ा कारोबार नहीं चला सकता। अब जैसे कांग्रेस के पास भी समिति बनी हुई है जी। उसके पास आज झूठे के ही सही, लेकिन उनके पास समिति बनी हुई है, तो अलग अलग तरह के अलग अलग काम डिपार्टमेंट बने हैं। शेड्यूल कास्ट का अलग बना हुआ है, ओबीसी का अलग बना हुआ है, और इनका माइनॉरिटी का अलग बना हुआ है जी। हमारे पास कोई विभाग ही नहीं है जी। तो थोड़ा काम अगर बांट दिया जाए, और लोग तो बहुत काम करने वाले जी, तो वो उसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको मैं समझता हूँ यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो इसके लिए मैं वीक मैनेजमेंट भी मतलब कह सकता हूँ, और प्रभारियों का जो क्या नाम है, अक्षम लोग हैं, उनको ऐसा काम दिया जाता है जो उसके लायक नहीं है जी। तो अगर जो लायक नहीं है उसको मतलब वो काम दिया जाएगा तो उससे रिजल्ट मतलब उतना अच्छा नहीं आ सकता है। तो ये भी एक उसका कारण है। तो इसके लिए मैं मैनेजमेंट की खामी मतलब कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट की खामी है, और सलाहकार मतलब अच्छे नहीं है, इसकी वजह से मतलब ये थोड़ा सा हुआ है। जबकि देखिए आप जैसे मध्य प्रदेश देखेंगे, अपर कास्ट में तो बढ़ गया उधर गिरा, और दलितों में वहां पे घट गया। तो जहाँ दलितों में अगर बढ़ जाता, और 2 तारीख का इतना बढ़िया मूवमेंट हुआ था, वो जो बंद हुआ था 2 अप्रैल का, उस बंद का अगर वो रिजल्ट उनके मिल जाता मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश अकेले में मैं कह रहा हूँ 11 सीटें मतलब जीत रही है उनकी। और उसका ना मिलने से, विदक जाने से उसके लिए, और वो 4 सीट पर सिमट गए, 2 सीट पर सिमट गए सॉरी। तो ये जो उसका जो कारण है उसको तो खुद बहन जी को इसके ऊपर समीक्षा करनी चाहिए जी। और समीक्षा करने के बाद में उनको अपना खुद ही निर्णय लेना चाहिए जी। और उनको मैनेजमेंट को दुरुस्त करना चाहिए, और मतलब इसमें जो सलाहकार वगैरह ये जिस तरह से दूसरी पार्टियों से हमें थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमें समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है ना, सामाजिक परिवर्तन होता है जी। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि मतलब अनित्य, समय जो अनित्य है, आज है वो कल नहीं है, कल। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी डायनेमिक्स में भी कहा है कि जो मैंने पीछे छोड़ दिया है वैसा आज नहीं होगा, आगे आने वाला समय अलग तरह का होगा, तो उसके हिसाब से हमें मोल्ड करना है अपने को। तो जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, समाज परिवर्तित हो रहा है, उसी हिसाब से हमें अपने को भी मोल्ड करके उसके हिसाब से चलेंगे जी। तो और ज्यादा मतलब कर सकते हैं, संभावनाएं बहुत हैं जी। बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा संभावनाएं किसी पार्टी की नहीं है जी। चूंकि बाबा माननीय काशीराम से कहा था कि 1999 में भी हमारा मतलब प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए जी। लेकिन आज जो है कितना साल हो गया, और आज प्रधानमंत्री बनाने की बात अच्छी तरह से चल रही है जी। तो अगर ये फ्लॉप हो गई, और इसमें समाज ने अगर इनको सहयोग सही तरीके से नहीं दिया, तो इसमें निराशा भी बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए जितनी बड़ा हमारा उत्साह बढ़ रहा है, उससे बड़ी हमारी निराशा भी बढ़ सकती है जी। इसलिए हमें तो हम तो कर ही रहे, जनता जितना जोर लगा रही है उनको प्रधानमंत्री बनाने का, उससे ज्यादा जोर उनको मैनेजमेंट पे भी लगाना पड़ेगा,
कि जब बना रही है जनता तो हम बनने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल ठीक बात है। आप थे हमारे साथ केसी पिप्पल साहब, जो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि जो मैनेजमेंट टीम होती है, जो टीम लीडर्स होता है, उनके ऊपर भी बहुजन समाज का ही नहीं पूरी पार्टियां जैसे नेतृत्व करती हैं उस तरीके से नेतृत्व करना चाहिए, तभी बहुजन समाज का रिजल्ट बहुत अच्छे से आ पाएगा। उन्होंने सीधे सीधे इशारा करते हुए कहा कि प्रभारियों को देश के पूरे प्रभारियों के ऊपर एक नज़र टीम गठित होनी चाहिए, उनका ऊपर एनालिसिस होना चाहिए किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। आरक्षण पे विशेष रिपोर्ट की हमारी आज की, और पिप्पल साहब आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के विषयों के लिए अगर आप जनता की रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमारे स्टूडियो को बिल्कुल टाइम देंगे। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें बुलाया जी, और जो जनता के सवाल थे जी उनसे जुड़ने का मौका दिया, और मैं SM News चैनल की बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।